नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिजनौर पहुंचे एडीजी बरेली अविनाश चंद्र ने आज कांवड़ रूट का जायजा लिया। एडीजी द्वारा नजीबाबाद के मोटा महादेव मंदिर पहुंचकर ग्रामीणों को संबोधित किया गया और कांवड़ों की सुरक्षा के लिए पुलिस मित्र को संबोधित किया। बिजनौर पहुंचे एडीजी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सबसे जरूरी है, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर सवार करना मौत को दावत देना है। उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सड़क किनारे पेड़ों की डालियों को कटवाने और रोड को गड्ढा मुक्त कराए जाने की पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान मोटा महादेव मंदिर, मंडावली, भागुवाला, जटपुरा, बोंडा, मुसेपुर, कामराजपुर गांव के कई ग्रामीण मौजूद रहे। एडीजी ने सड़क सुरक्षा के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए लोगों को सड़क सुरक्षा के अंतर्गत हेलमेट वितरण किए। उधर एसपी बिजनौर ने लोगों को से आह्वान किया कि शिवयात्री के अवसर पर शिव भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और प्रेम सौहार्द के साथ शिव यात्रा का त्यौहार बनाए जाने की अपील की। जानते हैं कि कांवड़ मास शुरू हो गया है, कांवड़ ये होली अब शुरू हो जाएंगे है ना, और मोटा महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर है और महत्वपूर्ण स्टेशन है कांवड़ियों के रुकने का, ठहरने का, जलपान ग्रह करने का, पूजा करने का। तो यहाँ आज हमारे आदरणीय एडीजी महोदय बरेली जोन आ रहे हैं और वो यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा वो यहाँ से फिर बाढ़ क्षेत्र में जो कि रपते हैं यहाँ पर, और कोटावरी नदी क्षेत्र में भी भ्रमण करने जाएंगे, वहाँ का भी जायजा लेंगे। वहाँ कौन कौन से क्षेत्र, गांव बाढ़ से प्रभावित थे और बहुत कुछ ही क्षेत्र छोड़ों में महोदय आने वाले। नोट करा दिया गया था और वो काम कर भी रहे हैं। अभी इन्होंने जो नोट कराया है इसको भी हम दिखा लेते हैं। मेरी जानकारी में ये नोट है और पीडब्ल्यूडी हैं, बड़े उत्साही हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी होगा, जहाँ भी होगा, पूरा हम करेंगे और ये कोशिश रहेगी कि सर इसमें कोई दिक्कत ना आए। ये जो सर कांवड़ चित्र बनाए गए हैं, कांवड़ व्यवस्था को सुचारू रूप से ले जाने के लिए, इसके लिए व्यवस्था ये की गई कि हर थाना क्षेत्र में एक या दो कमेटी छोटा हाथी में हम लोग एक जगह पे स्टेशन रखेंगे जिसमें हमारी कांवड़ रहेगी, उसके साथ उसमें हमारे पुलिस कर्मी रहेंगे। रात में भी, दिन में भी एक महिला पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी, और कोई बात होती है तो तत्काल वहाँ पहुँच करके स्थिति को नियंत्रित करेंगे, कांवड़ को सबसे आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों को